नमस्कार, मैं संजय सनम, डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, गुजरात में हैं और गुजरात में भी भगवान कृष्ण की नगरी, द्वारकाधीश की नगरी द्वारका में हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं और ये संयोग है कि द्वारका में पहुंचते ही हमारी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के द्वारका के प्रमुख से हो रही है। और आप ये देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ विजय भाई बुजट साहब, और ये इनकी ऑफिस का एक दृश्य है अमित शाह के साथ, और यहाँ पर शंकराचार्य जी के साथ। और अब स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं वो द्वारका भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख, शहर प्रमुख हैं विजय भाई बुजट साहब। विजय भाई साहब, सबसे पहले आपका डिजिटल फर्स्ट न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल है सर, गुजरात विधानसभा चुनाव, और वैसे तो देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत आसान पिच बताया जाता है, लेकिन इस बार आप पार्टी की एंट्री थोड़ी धमाकेदार हुई है, तो आपके द्वारका के समीकरण, और चूंकि आप यहाँ के प्रमुख हैं तो यहाँ समीकरणों पर क्या प्रभाव है, किस तरह से पब्लिक का व्यू है, और इस बार बूथ बूथ पर आपकी जो मॉनिटरिंग है वो कैसी है, और क्या लगता है पिछली बार की तुलना में आप इस बार क्या कर पाएंगे? विजय भाई साहब नमस्कार। मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछले 20 साल से हूँ जी। हमारे एमएलए साहब है वो 90 की साल से इलेक्शन सत्तातार जीतते आ रहे हैं। 7 इलेक्शन वो जीत गए हैं, 8वां इलेक्शन जीतेगा वो 100% पक्की बात है। एमएलए साहब का नाम बता दीजिए। हमारे यहाँ के एमएलए साहब है कुमुबा वीरम्बा माने जी। वो एक तो हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी अपना मजबूत नेतृत्व जिसका है, जो आदमी का व्यक्तित्व है, ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे नेतृत्व को हमेशा टिकट देती है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात ये है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह जी जो पहले टिकट का, पहले नंबर का जो लिस्ट बाहर पाड़ते हैं उसमें द्वारका सिटी का नाम फर्स्ट नंबर पे है, उससे बढ़िया बात हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती। इसी तरह हमने देखो तो द्वारका नगर पालिका में पिछले 10 साल से कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला है। यहाँ 28 सीट है, इसमें से 27 सीट हमारा भारतीय जनता पार्टी का है। पिछले 5 साल भी हमारा 27 सीट था, एक अपक्ष है वो भी हमारे साथ में। तो इसका मतलब ये द्वारका भाजपा का गढ़ मान सकते हैं? भाजपा का गढ़ नहीं, इसमें से 100 मत पड़ेगा तो 97 मत बीजेपी को ही मिलेंगे। और आप हमको बोल रहे हो आप यहाँ द्वारका में रहेगा ही नहीं, उसका डिपॉजिट चला जाएगा। और अभी हम आपको बोल रहे हैं 1 तारीख को अपना बीजेपी का कमल हम गांधीनगर छोड़ देंगे, हमको गिनती की करने की कोई जरूरत नहीं है जी। हमारी जो गिनती है मैं आपको दिखा दूं, हमारा यहाँ द्वारका सिटी का 33,000 मत है जी, बराबर है। उसमें से 80% मत पड़ा ना, तो उसमें से 22,000 मत हम बीजेपी को देंगे, और कम से कम 12,000 की लीड से हम द्वारका सिटी पे कमल का फूल दे के बाहर निकलेंगे, और पूरी विधानसभा में बीजेपी बीजेपी आएगा। हमारा धारा सभ्यों ने भी ऐसा काम किया है जी। जो कोई ग्रांट आती है गुजरात सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, द्वारका पूरी विधानसभा को ग्रांट मिल रही है, और हमारे धारा सभ्य ऐसे आदमी है तो वो सब कास्ट वाले को, सब समाज वाले को साथ में लेके रहने वाले हो, सबको साथ में लेके चलने वाले आदमी है। और ऐसे धारा सभ्य और ऐसे जहाँ बोलते हैं ना गुजराती कहवत है, माँ भी अपनी है और देने वाले भी अपने ही है। केंद्र सरकार में भी बीजेपी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसा नेतृत्व है जी। गुजरात में प्रदेश भाजपा पाटिल साहब और हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जैसा शासन है जी। और अपने यहाँ तो पौबा है, वो भी अपने खुद के घर के परिवार के लोग हैं जी। मैं तो ठीक हूँ, शहर का अध्यक्ष हूँ, लेकिन आम आदमी को भी रात को 2 बजे भी अगर हमारे एमएलए साहब को मिलने का है ना, तो वो एक कॉल कोई भी कर सकता है। छोटा बच्चा भी अगर वो निकलेगा तो बोलेगा पौबा साहब आ गए। ये हमारी जीत है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का ये निशान है, मतलब जनप्रियता है। आप लोगों से जुड़े हुए हैं, इलेक्शन तो एक व्यवस्था का भाग है, बाकी इलेक्शन तो हम जीते ही पड़े हैं, वो हमारा विश्वास है। वो आपको 1 तारीख को शाम को 5 बजे ही मालूम हो जाएगा। मतलब पब्लिक का विश्वास आप जीत चुके हैं 100%, और अब इलेक्शन एक औपचारिकता है, औपचारिकता की रस्म अदा होनी है। तो आपको क्या लगता है कि आप बोलते हैं कि द्वारका में कांग्रेस का तो कहीं नामो निशान ही नहीं रहता? आप उठ लो ना, मैं बोलूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि बीजेपी का आदमी है तो बोलेगा। आप यहाँ कोई मेरे को आदमी ढूंढो
ये कांग्रेस वाला है, कोई आप वाला है, आप खाली हमको 15 आदमी ढूंढ के आओ मेरे सामने, मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा अभी इसी टाइम। बड़ा कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, अच्छा लगा। आप मुझे ये बताइए, द्वारका से थोड़ा सा अलग हटे और गुजरात की अगर मैं आपसे बात करूं तो वहां पर आपका क्या प्रभाव है? खाली बोलते हैं आप तो हिंदी है, दिल्ली से आए हैं, मैं आपको बताऊं, आप मेरी बात सुने, आप अपनी आत्मा को पूछो को आपका क्या है, आपका व्यवस्था का जो भाग है वो आप अभी बजा रहे हो, लेकिन दिल्ली में क्या व्यवस्था है, क्या शिक्षण की व्यवस्था है, क्या डॉक्टर की व्यवस्था है, वो आपको मालूम है, वो आपके चेहरे से मेरे को मालूम हो जाता है। मुझे आप एक बात बताइए, फ्री का फंडा दिल्ली वालों ने रिपीट किया, पंजाब वालों ने भी स्वीकार किया, क्या गुजरात वाले स्वीकार नहीं करेंगे? आप मेरे को एक बात का जवाब दो जी। एक घर में दो लड़का होता है, 20 साल का हो गया, उसका पिताजी बोलेगा आप नौकरी पे जाओ, वो नौकरी पे नहीं जाएगा, घर में कुछ कमाएगा नहीं, उसका पिताजी उसको रखेगा? तो ये तो पूरे गुजरात की बात है, ये तो पूरे इंडिया की बात है, तो कैसे होगा? केजरीवाल क्या अपने घर से देगा? पब्लिक का पैसा है, पब्लिक पे बांटने का है, तो मुफ्त की बात कहाँ कैसे आई? जी 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 जी, सीधा सीधा सा आपका सवाल यही है कि फ्री का फंडा गुजराती स्वीकार नहीं करेगा। और गुजराती लोग तो ऐसे भी दया वाले हैं, वो ऐसे करने वाले नहीं है, देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है, तो उसको तो मुफ्त की बात मगज में बैठेगी नहीं है, धार्मिक लोग हैं। हमारे MLA साहब है ना, हर साल तो उसने 22,000 लड़की लोग का शादी का संकल्प लिया है, 10,000 गौशाला उसकी गौशाला में गाय है डेली का, और हमारे सांसद भी ऐसे ही है, इतना धर्म अदा करते हैं। मुफ की बात गुजराती लोग को पसंद ही नहीं आई, वो लेने वाले नहीं है, देने वाले हैं, ये गुजरात की गरिमा है, गुजरात की गरिमा है, हम लेने वाले नहीं हैं, हम देने वाले हैं, फ्री का फंडा नहीं चलेगा। लेकिन आप पार्टी का चुनाव प्रचार है वो बहुत धुआंधार है, तो कुछ सीटें निकाल लेंगे? कुछ सीटें नहीं, कम से कम 150 सीट निकालेंगे। आप मेरी आज की तारीख को, आज का समय, मेरी ऑफिस का समय, मतलब किसके लिए बोल रहे हैं आप? आप के लिए बीजेपी के लिए बोल रहे हैं, पूरे गुजरात के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, 150 सीट आप निकाल लेंगे? आप नहीं निकालेंगे, मतलब आपको बोल रहा हूँ, निकालेगी। देखिए कितने पाप पूरा खत्म हो जाएगा, कितने सतर्क है, मैं आप बोल रहा हूँ तो भी इन्हें डर लग रहा है कि आप पार्टी का नाम नहीं ले रहे, जन्म भी नहीं लिया उसका डर क्या लगा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, केजरीवाल जी के आने से अभी भारतीय जनता पार्टी थोड़ी खुशी में है क्योंकि कांग्रेस का वोट कट रहा है, क्या ये बात सही है? वो तो आमने सामने उसका ही काटने का है, हमारा तो कटता नहीं है, वो तो 100% बात है, हमको कोई टेंशन लेने का नहीं तो है। आपको लगता है केजरीवाल का यहाँ थोड़ा प्रचार करना या आना अच्छा है आपके लिए? कोई मतलब नहीं है, आए तो ठीक है, बराबर ना आए तो उसकी इज्जत रह जाएगी, वो उसके लिए अच्छी बात है। तो इज्जत रह जाएगी, अच्छी बात है, क्या बात है। हमें जो मिले विजय भाई, बड़े बड़े हंसमुख मिजाज के हैं, बहुत अच्छा लगा, और नेता ऐसा ही होना चाहिए, हंसमुख मिजाज का रहे, लोगों से बात करता रहे। तो विजय भाई, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार।